सब्सक्राइब कीजिए निम्मी स्टाइल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप कुछ नया नया सीख सकें। हेलो दोस्तों, आज मैं मल्टीपर्पज़ बॉल हैंगिंग बनाऊंगी। इसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया हुआ है, ये मेरा बचा हुआ फैब्रिक है। इस पर मैंने फॉर्म और लाइनिंग लगाकर बनाया हुआ है। ये पीस मैंने लिया हुआ है 23x16 इंच का एक पीस लिया हुआ है और एक पीस लिया हुआ है 12x16 का और दो पीस लिए हुए हैं 16x6 इंच। तो सबसे पहले हम इसको राइट साइड रखेंगे और ये जो सेकंड वाला पॉकेट है उसको लगाएंगे। इसको सेंटर में रख लेंगे। ट्वेल्व बाई सिक्सटीन की मैंने रख लिया है, ये 16x6 इंच का पीस रखेंगे इसके नीचे। एक पॉकेट को हम बड़ा बनाएंगे और एक पॉकेट को हम 16x6 इंच का बनाएंगे। दो पॉकेट रख गई हैं, एक पॉकेट ये हो गई और ये नीचे तक जब हम सिलाई कर देंगे तो ये लंबी वाली पॉकेट बन जाएगी और एक पॉकेट को हम ऊपर लगाएंगे। ये तीन पॉकेट बन जाएंगी हमारी और ऊपर जो स्पेस बचेगा उसमें हम हैंगर को लगाएंगे कि जिससे हमारा ये बॉल हैंगिंग है वो सीधा बना रहे और मूव ना करे। कंट्रास्ट कलर की मैंने ये पट्टियां काटी हुई हैं, इसको हम किनारों पर लगाएंगे। ये मैंने ऊपर की साइड पॉकेट में लगा दी हैं। अब हम इसको यहाँ पर हैंगिंग के चारों तरफ इसको लगाएंगे। पहले सिलाई करेंगे उसके बाद हम इसको अटैच करेंगे। ये पॉकेट्स को मैंने अटैच कर दिया है यहाँ से। ये और एक पट्टी को लगाना शुरू करेंगे। पहले वन साइड से लगा देंगे। यहाँ सिलाई कर देंगे इस पर। ये वन साइड पट्टी को मैंने लगा दिया है। अब राइट साइड करके इसको फोल्ड करते हुए यहाँ पर से सिलाई लगा देंगे। कॉर्नर को थोड़ा ध्यान से करेंगे, से कॉर्नर हमारा अच्छे से आए। ये चारों तरफ बॉर्डर लग गया है। अब इसमें हम एक हैंगर लेंगे और इसको यहाँ पर अटैच कर देंगे। इस पर इसी का ये कपड़ा लेकर और सिलाई कर देंगे। या तो आप हाथ से सिलाई कर सकते हैं, नहीं तो इस पर यहाँ पर मशीन चला दें। ये हैंगर को अटैच कर दिया और ये हमारा बनकर मल्टीपर्पज़ बॉल हैंगिंग बनकर तैयार हो गया है। अब हम इस पर डेकोरेट करने के लिए इसको गोल्ड पेंट से इस पर थोड़ा डिजाइन बनाएंगे।
ये मेरा बार ड्रॉर हैंगिंग बनकर तैयार है। इसमें देखिए मैंने ये एक्सेसरीज रखी हुई हैं, कुछ कॉस्मेटिक रखा हुआ है, पर्स रखे हुए हैं, पेन रखे हुए हैं। आप इसको किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी एक्सेसरीज इसमें रख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।